देखिए, अगर आप एक दिन लेते हैं संडे, और फॉर एग्जांपल संडे को किसी को भी डेंगू का बुखार हो, तो संडे में अगर आप 6 दिन ऐड करें तो कौन सा दिन बन जाएगा? सैटरडे। इसी तरह अब आप एग्जांपल लें कि एक बड़ा सारा प्याला है और उसमें आप पानी डालते जा रहे हैं, लेकिन उस प्याले में क्योंकि कुछ सुराख हुए हुए हैं तो वो सारा पानी आपका बाहर चला जाता है, उसमें से कुछ पानी। तो डेंगू बुखार में भी यही होता है। ये डेंगू बुखार एक वायरल बीमारी है, ये एक वायरस कॉज करता है जिसमें आपकी जो खून की नालियां हैं उसमें छोटे 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 सुराख होना शुरू हो जाते हैं। जब ये छोटे छोटे सुराख होना शुरू हो जाते हैं आपकी खून की नालियों में, तो इनमें से सबसे पहले जो चीज बाहर आना शुरू होती है वो खून का सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो वो क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो क्योंकि प्लेटलेट्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं इसलिए प्लेटलेट्स आपके कम होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पहले दिन आपके 170 प्लेटलेट्स हैं, तो दूसरे दिन जब डेंगू बुखार आपको होना शुरू होगा तो दूसरे दिन हो सकता है आपके 150 रह जाए, तीसरे दिन हो सकता है आपके 100 रह जाए, उसके बाद चौथे दिन 75 रह जाए, उसके बाद पांचवें दिन 50 रह जाए, लेकिन जब छठा दिन आएगा तो ये आपके प्लेटलेट्स 6 दिन के बाद, डेंगू क्योंकि वायरल डिजीज है तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं, तो 6 दिन के बाद दोबारा आपके प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि लोग इस दौरान कोई पत्ते खा रहा होता है, कोई कुछ खा रहा होता है, टोटके खा रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि शायद ये पत्ते खाने से या इन टोटकों से ये प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। डेंगू के बुखार होने के 6 दिन वो खुद ब खुद बेहतरी की तरफ पेशेंट माइल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब देखिए, अगर खून की नाली में सुराख हो रहे हैं छोटे छोटे, और सबसे खून का छोटा कुलिया जो उनसे था प्लेटलेट्स वो तो बाहर आ गए, साथ क्या चीज बाहर आना शुरू हो जाएगी? साथ आपकी बाहर आना शुरू हो जाएगी वाटर या पानी। अब लोग क्या करते हैं कि लोग अपना तमाम फोकस रख देते हैं प्लेटलेट्स पे, जबकि असल जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए वाटर पे, क्योंकि ये सबसे डेंजरस चीज है। देखिए, अगर आपके प्लेटलेट्स खून में कम हो भी जाए ना, तो इससे कोई फर्क इस तरह नहीं पड़ रहा होगा कि आपके जिस्म पूरे में कहीं पे भी खून नहीं निकल रहा, तो ये इनकी कमी आपको कोई किसी तरह तंग नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका पानी, क्योंकि वो जब बाहर आना शुरू होगा और आप डिहाइड्रेशन में चले जाएंगे, तो अब क्या होगा कि आपके पूरे जिस्म में छोटे छोटे अल्सर्स बनना शुरू हो जाएंगे, और अब क्योंकि वो अल्सर्स बनेंगे तो तब प्लेटलेट्स कम होने की वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। अब इसके बाद जो अगला चीज जो हमें समझनी चाहिए इसमें वो ये है कि देखिए, अगर एक खून की नाली है और उसमें से प्लेटलेट्स बाहर आ रहे हैं और पानी बाहर आ रहा है, तो इसको हम किस तरह मॉनिटर करेंगे? प्लेटलेट्स का तो आपको पता है कि आप सिंपल उसमें ब्लड सीपी करा लेंगे, लेकिन जो आपका पानी बाहर आ रहा है इसको आप किस तरह मॉनिटर करेंगे? इसमें सबसे पहले आप उसका ब्लड प्रेशर देखते रहेंगे पेशेंट का, कि वो तो नहीं, उसमें तो नहीं फ्लक्चुएशन आ रही, वो एक स्टेट ऑफ शॉक में तो नहीं जा रहा। फिर आप साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे पेशेंट पे, कि पेशेंट किसी तरह साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा। इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट साइंस इज यूरिनेशन, कि अगर पेशेंट पेशाब करता रह रहा है तो तब इसका मतलब है कि पेशेंट की बॉडी ठीक है, वो अभी तक उस तरह डिहाइड्रेट नहीं हुई। डेंजर साइन तब होगा कि अगर उसकी यूरिनेशन, उसको आना बंद हो जाए, या उसका कलर जो उनसा है वो बहुत डार्क हो जाए, और खास तौर पे अगर वो बंद हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन होगा। फिर हम पल्स प्रेशर को भी देखते हैं, ये भी अगर डिहाइड्रेशन में पेशेंट जा रहा होगा तो ये भी उसकी खराब होना शुरू हो जाएगी। साथ साथ हम वाटर को, कि वो जो बाहर एस्केप कर रही है, उसको देखने के लिए कि वो किन किन कंपार्टमेंट्स में जा रही है, तो हम अल्ट्रासाउंड भी उस पेशेंट के कराते जाएंगे। अब डेंगू का एक ही टेस्ट है जो डेंगू स्पेसिफिक टेस्ट है, DS1 जिसे आप कहते हैं, ये अब पहले दिन से डेंगू के पॉजिटिव हो जाता है, और यही सबसे यूजफुल टेस्ट है, क्योंकि बाकी तमाम टेस्ट डेंगू होने के कुछ अरसे बाद पॉजिटिव होते हैं। अब आपने करना क्या है? देखिए, अब आपने घबराना इसमें इस तरह नहीं है, कि आप सिंपली आप फोकस करेंगे आप पेशेंट को किस तरह मैक्सिमम रिहाइड्रेट कर सकते हैं और किस तरह आप उसको डिहाइड्रेट होने से बचा सकते हैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर आप उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे तो उसको अल्सर नहीं बनेंगे, अल्सर नहीं बनेंगे तो उसके ब्लीडिंग पॉइंट्स नहीं होना शुरू हो जाएंगे, और अगर उसकी ब्लीडिंग नहीं शुरू हो जाएगी पूरे बॉडी में, तब ये जो प्लेटलेट्स कम हो भी रहे हैं इससे कुछ मसला नहीं होगा।
तो ये एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डेंगी क्यों होता है और क्यों। और फिर आप ये भी देखें कि ये छठे दिन आपके डेंगी बुखार खुद ब खुद, जब आपको हुआ उसके छठे दिन, ये खुद ब खुद ये बेहतरी की तरफ पेशेंट आपका होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो डेंगी के खिलाफ काम करे। हमने बस ये पेशेंट का जो वाटर लेवल है, जो उसकी हाइड्रेशन लेवल है, उसको मॉनिटर करते रहना है कि वो उसका कंप्लीटली ठीक रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आजकल डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लोगों को पता हो कि ये डेंगू होता क्यों है।